बंधान डैम में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई, वहीं एक बुजुर्ग जो कि बच्चियों के साथ में डैम को पार करते समय डूब गया था, उसे समय रहते ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। यह हादसा परासिया के काजला गांव में हुआ, जहां 60 वर्षीय दिमाग चंद नागवंशी अपने खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। उनके साथ ही 9 वर्षीय बालिका रोशनी उइके व आरती उइके भी मवेशी चराने गई हुई थी। जब तीनों घर लौट रहे थे, तब मंधान डैम को पार करते समय अचानक पानी की गहराई में तीनों समा गए। इन तीनों को डूबते हुए गांव के ही एक किसान ने देख लिया। किसान ने तीनों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक दोनों बहनों की मौत हो चुकी थी। वहीं बुजुर्ग दिमाग चंद नागवंशी की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मवेशियों को भरे में पानी से क्रॉस करा के दूसरी पार निकाल दी और स्वयं दिमाग चंद और बच्चियों को लेकर कुछ ऊंचाई से भरे हुए पानी से क्रॉस कर रहा था। बीच में पानी गहरा होने से ये तीनों डूबने लगे, जिसे बच्ची भी हाथ से छूट गई और दिमाग चंद ने हल्ला किया। आसपास के लोग उसे निकाले, जिन्हें अस्पताल छिबाड़ा ले गए और उनकी मृत्यु हो गई। रोशनी को पुलिस द्वारा पानी से ढूंढ के निकलवाया गया और आज सुबह आरती को भी निकलवा लिया गया है। पुलिस द्वारा मर कायम कर जांच की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।